क्वेश्चन नंबर चार है, एलसीएम 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा उसे ज्ञात करना है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया गया है, तो क्या दिया गया है देखिए, दिया है एचसीएफ क्या, एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, ठीक है, इन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है तो 9 है और एलसीएम इसका निकालना है, तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, और यहां देखिए दो संख्या क्या है तो 306 गुणे 657, तो हम लिख देंगे 306 गुणे 657 यानी कि इनका गुणनफल, और एचसीएफ कितना दिया गया है तो 9 दिया गया है, और हमको निकालना क्या है तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल देंगे हम लोग, देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 306 है और गुणे 657 है, इसको हम लोग पलट दिए, ठीक है, इसको हम लोग पलट दिए केवल, यहाँ देखिए यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 9 बाटा में लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए 306 है और 657 है, दोनों 9 से कट जाएगा, तो कोई भी आप काट दीजिए, तो हम मान लीजिए इसको भी काट दिए, कितना हो जाएगा 65 है, 9 सत्तर 63 होता है जानते हैं आप, तो 7 बार में और 2 बच गया, 2 बच गया तो इधर 7 आ जाएगा, यानी 27 हो गया, तो 27 कितने बार में, 3 बार में, 27 होता है 73 गुणे 306, तो एलसीएम क्या निकल जाएगा इसका 73 गुणे 306, यहाँ पर 73 होगा, ठीक है, अब यहाँ पर 306 है और 73 में गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पर सामने मत कीजिएगा दूसरे जगह कीजिएगा, हमने कर रखा है, देखिए 63 कितना होगा 18 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो 1 ही हो जाएगा, फिर 33 का कितना होता है 9 होता है, 3 3 9, फिर 7 6 42, फिर 0 है तो 4 ही होगा, और 7 3 का कितना होगा 21 हो जाएगा, और इससे जुड़िएगा तो 8 3 13, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा एलसीएम बराबर 22,338, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा आपका।